नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी एक और करंट की छोटी सी श्रृंखला के साथ। करंट की दो श्रृंखला संस्था द्वारा आपके लिए अब संचालित हो रही हैं। एक तो मैं रटलू श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहता ही हूं, दूसरे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी और प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूं, जिससे कोई तथ्य छूटे ना और तैयारी आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। इसी क्रम में एक वीडियो मैंने आपको भारत सरकार की रिपोर्ट से संबंधित दिया था और दूसरा वीडियो लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिजिटल ऐप और पोर्टल आपके ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगभग अगर हम प्रत्येक परीक्षा में देखें तो कोई ना कोई ऐप और पोर्टल किससे संबंधित है, किस विभाग का है, किस मंत्रालय का है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पर भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐप और पोर्टल सरकारी रूप से जारी किए गए हैं जो आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मैं बहुत छोटे वीडियो में आज आपको जितनी भी प्रमुख क्रांतियां हैं वो किससे संबंधित हैं और आज 2020 में आज तक के सभी प्रमुख ऐप और पोर्टल्स के विषय में आपको जानकारी दूंगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और नोट्स को भी आप नीचे पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस जानकारी में कोई भी इस क्षेत्र से संबंधित जानकारी छूटी नहीं है, आपको किसी भी मैगजीन को देखने की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 2 से 3 नंबर करंट में यही आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। आइए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि यूपी पीसीएस का बैच हमारे यहां संचालित हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है और प्री कम मेंस के लिए अलग अलग फैकल्टी देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के साथ आलोक सर के कुशल निर्देशन पर एक मंच पर एकत्रित है। 7 महीने का ड्यूरेशन है और नया बैच प्रारंभ होने को है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर 9918000454 पर व्हाट्सएप पर एंट्री यूपीपीसीएस लिख के अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रवेश ले भी लिया है या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर्स पर आप फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रमुख क्रांति एवं पोर्टल से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से लिखा है कि कोई भी प्रश्न चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछा जाए लेकिन आपकी रीच से बाहर ना हो, बहुत सरल भाषा में चीजें लिखी गई हैं और बहुत छोटा लिखा गया है, तो हम एक छोटे से समय में इस पूरी जानकारी को पूरा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहला विषय यहां पर है आपका प्रमुख क्रांति और पोर्टल, जिसमें सबसे पहले है आपका हरित क्रांति। हम सभी लोग जानते हैं कि वैश्विक रूप से हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में इसका जनक कहा जाता है एम स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति की बात करें तो 1965 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सी सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति का बिगुल उन्नत तकनीक के गेहूं के बीजों को आयात करके किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया था, कृषि के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया था और उसे औद्योगिक तकनीक व उपकरणों का समन्वय किया। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें और कुओं का निर्माण किया। किसानों को फसल के उचित दाम के साथ ही उनके उत्पादन के सही संग्रहण की व्यवस्था करने का भी पूरा इंतजाम किया। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य था और बहुत हद तक भारत इसमें सफल भी हुआ। आइए आगे बात करते हैं। दो नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक रूप से जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम स्वामीनाथन को। आइए दूसरा है आपका श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादकता से, दूध के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादकता में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। आपसे सीधे पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड एक ही है जो दुग्ध उत्पादकता की वृद्धि के लिए भारत से संबंध रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है नील क्रांति। नील क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति फर्टिलाइजर से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। आइए
स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। बागवानी से सीधा संबंध किसका है? स्वर्ण क्रांति का। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पूछा भी गया है इस वर्ष आपसे कि काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। देखते जाइए, नोट्स को आप पीडीएफ को नीचे से जाके डाउनलोड भी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, यहां पे सुनते रहिए। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। मधु ऐप, अब देखिए कुछ ऐप भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा सरकार स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। उड़ीसा सरकार स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब मधु ऐप उड़ीसा सरकार का एक ऐप है जो ई लर्निंग से संबंधित है, ताकि शिक्षा को सुदूर क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम सरकार का ऐप है। असम सरकार नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना असम सरकार का ऐप है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना, शिशु सुरक्षा ऐप। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। देखिए यहां से दो तीन प्रश्न बनते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। आलू भारत की फसल नहीं थी, इसको 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से लाया गया था और इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। तीन प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। आलू को किस देश से यहां पर लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था 16वीं शताब्दी से। आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में आलू सर्वाधिक कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश में आलू सर्वाधिक फर्रुखाबाद में होता है। आइए, रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति का संबंध अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब इस क्रांति का लाभ भी हुआ है, भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। तो पीली क्रांति का सीधा संबंध किससे? तिलहन से। और तिलहन पर आधारित क्या है? तेल। आइए, लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। एम हरियाली ऐप केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु एम हरियाली ऐप आपका लिया गया है, जहां से पूरी जानकारी प्रदान की जा सके। यह केंद्र सरकार का ऐप है। आइए, एम हरियाली सहयात्री भारतीय रेलवे द्वारा जारी रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सहयात्री ऐप भारतीय रेल द्वारा जारी रेलवे में होने वाली परेशानियों में अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं आप। वीर परिवार ऐप, देखिए सीआरपीएफ के 100 दिवस के अवसर पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस ऐप को लॉन्च किया। जब कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाता है या कोई जवान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार को मिलने वाले लाभ को त्वरित उसको पहुंचाया जा सके, इसके लिए उन्हें बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े। तो यह उन सैनिकों के परिवारों, उन जवानों के परिवारों को सुविधा देने के लिए ये ऐप है, जिसको हम कहते हैं वीर परिवार ऐप। आइए, दामिनी ऐप केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस ऐप को बनाया है, जो बिजली गिरने से कुछ समय पूर्व ही आपको यह सूचित कर देगा कि यहां पर जो है मौसम खराब होने वाला है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इस ऐप को बनाया है। देखिए, हम प्राकृतिक चीजों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर हमें पता हो जाए तो हम जान माल की जो भारी हानि होती है उस हानि को हम बचा सकते हैं और थोड़ा बहुत सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए ये दामिनी ऐप है, जो केंद्र सरकार की कोशिशों का परिणाम है, जिसको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने बनाया है। आइए, पीएमवायु ऐप, इस योजना के बारे में हम लोगों ने देखा था रटलो में। देखिए, पीएमवायु का लाभार्थी इस ऐप के जरिए पता कर सकेगा कि पीएमवाई के तहत उसको आवंटित किए गए घर का कितना निर्माण हुआ है और उसके पूर्ण होने में कितना समय मिलेगा। सोचिए, यह केंद्र सरकार का एक ऐप है
जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को भी इससे जोड़ दिया गया है। अगर आप मोबाइल फ्रेंडली हैं तो आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि जो आवास आपको आवंटित किया गया है उसके निर्माण की वास्तविक स्थिति क्या है। खेलो इंडिया ऐप है ना, देखिए खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। खेल बहुत जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए और भारत के लिए भी, जैसे खेल प्रतिभाओं को तराशना बहुत जरूरी है। तो खेलो इंडिया ऐप का मकसद देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और भारत को आने वाले समय में स्पोर्टिंग सुपर पावर के रूप में विकसित करना। यह देश में अपने तरह का पहला ऐप है जो देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। ये सारे ऐप में जो आपको बता रहा हूं ये भारत सरकार के ऐप हैं। अभी आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी पढ़ा होगा जो असम के गुवाहाटी में संपन्न हुए, उसके बारे में भी हम लोगों ने रटलो में डिस्कस किया था। इसके बाद संतुष्ट पोर्टल, श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संतुष्ट पोर्टल किसका है, श्रम मंत्रालय का। यही आपसे पूछ लिया जाता है कि संतुष्ट पोर्टल किससे संबंधित है, श्रम मंत्रालय। विषय क्या है, कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह जो है आपका संतुष्ट पोर्टल बनाया गया। रोशनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा, IIT रोपड़। चंडीगढ़ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चंडीगढ़ का जो IIT है उसको IIT रोपर कहा जाता है। IIT रोपर द्वारा दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोटों की पहचान कराने हेतु, जो दृष्टिबाधित है उनको मुद्रा नोटों की पहचान कराने हेतु IIT रोपर द्वारा यह जो है क्या बनाया आपका, यह ऐप तैयार किया गया। आइए बोलो ऐप, मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल ने एक नया ऐप बोलो ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। गूगल ने बोलो ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है। जिससे बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सीखने में मदद मिल सके। आइए आपूर्ति ऐप, यह ऐप भारतीय रेलवे की ई निविदा और ई नीलामी से संबंधित गतिविधियों की जानकारी और डेटा प्रदान करता है। ई नीलामी में, टेंडरिंग में पारदर्शिता लाने के लिए आपूर्ति ऐप है। ई निविदा गतिविधियों के लिए उपयोगकर्ता प्रकाशित निविदाओं, निविदाओं समाप्ति, खरीद आदेश से संबंधित विवरण को पूरी पारदर्शिता के साथ दे सकता है। तो आपूर्ति ऐप किसका है, भारतीय रेलवे का ऐप है। आइए दीक्षा पोर्टल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की। इस योजना के तहत 319 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2016 प्रदान किया गया। दीक्षा एक अनूठी पहल है जो मौजूदा उच्च स्केल बल और लचीले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाता है ना। तो दीक्षा पोर्टल को शिक्षकों की जीवन शैली के लिए जो है बनाया गया है और इसके तहत शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा है ना। वेब पोर्टल, विभाग द्वारा सामान्य रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना, कर विभाग द्वारा। तो वेब पोर्टल किसका है, टैक्सेशन से संबंधित है, कर विभाग से संबंधित है। कर विभाग द्वारा सामान्य रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने से संबंधित है। प्रकाश पोर्टल, बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सगुन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु सगुन ऐप है आपका। दर्पण ऐप, ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने दर्पण ऐप की शुरुआत की। देश के सभी डाकघरों में अब पोस्टल बीमा योजना की सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। इसके जरिए सभी 1.28 लाख डाकघरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। दर्पण ऐप डाकघर से संबंधित है, डाकघर और ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने दर्पण ऐप की शुरुआत की है जिसका सीधा संबंध आपके डाकघर से है। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र या मध्यम वर्गीय परिवार के बहुत सारे लोग डाकघर पर पूरा विश्वास करते हैं और अपने लेन देन के लिए लगातार उससे जुड़े हैं। सरकार भी इस दिशा में अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है। पेंसिल पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है। पेंसिल पोर्टल बाल श्रम को खत्म करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पेंसिल पोर्टल का अर्थ है इफेक्टिव
इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर बहुत जरूरी है। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र राज्य सरकारों जिला स्तरीय प्रशासन समाज के नागरिक यानी सिविल सोसाइटी और आम लोगों को शामिल करना। अच्छा प्रयास है, अच्छी दिशा है। शिक्षा वाणी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसको जारी किया गया है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को अभिभावकों को सीधे देने के लिए यहां पर शिक्षा वाणी एप सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया। स्वच्छ ग्राम दर्पण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी गांव में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु ठोस कचरे के मैनेजमेंट हेतु इस ऐप को लाया गया है स्वच्छ ग्राम दर्पण। आरंभ ऐप केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास पेयजल और स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की डिप्टी डायरेक्टर देवोर ग्रीनफील्ड ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए मोबाइल ऐप आरंभ लॉन्च किया। आरंभ ऐप सड़कों के रखरखाव से संबंधित है, सड़कों के रखरखाव से संबंधित है। सचेत ऐप आम लोगों को कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर उनकी गाड़ी कमाई से अपनी जेब गर्म करने वाली फर्जी चिटफंड कंपनियों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का ऐप है, आपसे चिटफंड कंपनियां अलग अलग प्रलोभन देकर आपकी गाड़ी कमाई को डकार जाती हैं या आपको नुकसान पहुंचाती हैं, तो आरबीआई ने आपको सचेत करने के लिए यह सचेत ऐप आपको जारी किया है। आरबीआई का ऐप है, दरअसल आरबीआई ने चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सचेत नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां पर आप आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त सारी कंपनियां जो चिटफंड से संबंधित हैं और ठीक है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो दो तीन और महत्वपूर्ण ऐप थे जो मैंने आपको रटलों के साथ चर्चा किए थे, जैसे एक मनी ऐप था, एक पोषण से संबंधित जो शब्दावलियां थी जो मैंने आपको पिछले रटलों में चर्चा की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल थे, क्रांतियां थी जो लगातार आपसे मिलान करने के लिए किस विषय से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पीसीएस से संबंधित बैचेस संचालित हो रहे हैं, मैंने आपको प्रारंभ में ही जानकारी दी। इसी प्रकार मैं और वीडियो के माध्यम से भी आपसे रूबरू होता रहूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।